हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस भी फिलहाल शाम के बज गए हैं 4 और मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। और गाइस सुबह से काफ़ी सारा काम था, गाइस वही सब अपना काम कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड करना था, एडिट करना था, अपलोड करना था, वही सब काम था। और आज 2 दिन से लाइट भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से मोबाइल चार्ज नहीं पाया, तो बहुत दिक्कत हुई। बहुत ही संभाल के मोबाइल यूज़ किए और अभी थोड़ा सा मौका मिला, सोचे ब्लॉग को शूट कर लेते हैं। गाइस अभी देखिए छत पर आए हैं, यहाँ पे पन्नी बिछाने पन्नी लगाएंगे ताकि नीचे पानी ना जाने पाए। और अब तो पूरा ढक गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ बारिश होगी, अभी पाइप तो लगा नहीं है, लेकिन बारिश होगी तो देखिए तो पानी ये जो है वहाँ से साइड से निकलेगा। तो फिलहाल गाइस मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है और देखिए चारों तरफ एकदम आधी तूफान। और गाइस अगर बारिश हो जाएगी तो फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सरसों का, जो सरसों सूख चुका है वो नुकसान हो सकता है, बाकी तो अभी गेहूँ पूरी तरीके से पका नहीं है, तो नुकसान तो काफ़ी होगा। बहुत लोग सरसों काट कर रख दिए हैं। तो गाइस आप लोग ये सुन रहे होंगे कि गाइस बहुत ही तेज़ी से तूफान आने की संभावना है और आ ही गया है लगभग, आधी तो काफ़ी तेज है ही, और जगह जगह बारिश भी हो रही है। गाइस यहाँ पे भी बारिश हो सकती है, लेकिन गाइस अगर बारिश होगा यकीनन बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यार बहुत ही तकलीफ इस बात की कि लाइट नहीं आ रही, ऊपर से इधर ये आधी तूफान वाला समस्या भी स्टार्ट हो गया है, बारिश भी हो सकती है, तो 2 दिन से लाइट नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप जान लो सारा काम रुक गया है और अब मोबाइल चार्ज कैसे किया जाए और जो सारे काम वो कैसे किया जाए, अब इन्वर्टर कितना दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन चलेगा, और काफ़ी ज़्यादा यूज भी होता है, तो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया है, और तो यही सब प्रॉब्लम है गाइस। लेकिन तूफान बहुत ही तेज़ है, आप लोग ये देख सकते हैं ये। और लेकिन एक चीज़ है गाइस, मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ बारिश होगी तो गाइस बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो भी है गाइस बहुत ही अच्छा है, आज काफ़ी सारे वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं, एडिट हुए, अपलोड हुए हैं, और हर जगह से आवाज़ें आ रही है, किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम छत पे हैं, तो इसको ढक के और अभी जाते हैं नीचे और फिर आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली हम लोग देखिए यहाँ पे ये पन्नी लगा के पूरी तरीके से ढक दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कितना भी तेज बारिश हो, तूफान है, आधी आए अंदर, तो नीचे मतलब नीचे कुछ पानी एकदम जाएगा ही नहीं और बारिश का टोटल पानी बाहर गिरेगा। पहले क्या प्रॉब्लम थी गाइस, पानी मतलब बारिश जो भी होता था पूरा पानी घर में जाता था नीचे, मीन्स आंगन जो बना हुआ है, तो बहुत दिक्कत होती थी, और वो पानी पूरा जो है एक सोख्ता टाइप का बना हुआ है, गांव में बनता है तो बना हुआ है, तो वहाँ पे जो है जाता है और मतलब काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन गाइस अभी पानी पूरा बाहर निकल जाएगा और बादल काफ़ी टाइम से गरज रहा है, बारिश बहुत ही तेज़ हो सकती है, मौसम बना हुआ है। एक चीज़ है, अगर बारिश होगी तो गाइस बहुत ही तेज़ खतरनाक वाली बारिश होगी, और कहीं ना कहीं बारिश बहुत तेज़ हो भी रहा है क्योंकि मौसम पूरा ठंडा हो चुका है और कल से ऐसे माहौल बना हुआ है गाइस। तो फिलहाल जो भी बहुत अच्छा है, बट गाइस लाइट का प्रॉब्लम यार गाइस बहुत ही दिक्कत हो गई है, और पूरे यूपी में लाइट नहीं है, और मार्केट में तो कुछ एक 1.5 घंटे के लिए लाइट लगभग आया है, वो भी चला गया, लेकिन देखते हैं हम गांव में आता है कि नहीं आता लाइट। फिलहाल गाइस जो भी है सब कुछ अच्छा है। गाइस आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, बाकी हमारा छत, हमारा गांव पूरा ये है, तो ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके देखिए। वहाँ कबूतर ये बैठा हुआ है, हमारे यहाँ कबूतर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन गाइस क्या मजबूरी आज बंद करना पड़ा इसे। देखिए कबूतर वहाँ पर आके बैठा हुआ है, ये कहाँ गया, ये साइड बैठा हुआ कबूतर, ये उड़ गया, देखिए ये तो कबूतर। तो गाइस चारों तरफ हरियाली है। तो गाइस आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, सब्सक्राइब करिए और अपने छोटे भाई का सपोर्ट करिए। बाकी आप सभी का अपने कीमती समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।